सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट के सहयोग से मंडी जिला में राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण 5 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल ने शिरकत की। जिला कल्याण अधिकारी आरसी बंसल ने मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। शिविर के पहले दिन जिला लाहौल स्पीति व कुल्लू के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया गया। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जतिन लाल ने मंडी जिला में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लगाने के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का आभार व्यक्त किया है। क्या 1999 में मैं इस पे संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बंजार कल्याण अधिकारी बंजार का भी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जहाँ भी मंडी के जो भी हो उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज तक ऐसी जो एक किस्म बाजू है आज तक कहीं नहीं लगाए गए। तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। जो भी डॉक्टर लोग जो आए हैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जरूरी मैं चाहता हूँ कि खासकर हमारे तीर्थन घाटी बंजार में हो, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा एरिया है वो। अगर वहाँ होता तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत विकलांग लोग रहते हैं। मैं वहाँ ब्लॉक पंजाब का प्रधान भी रहा हूँ पीछे। अब मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मैंने छोड़ दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई बंजार में अगर ये कैंप लगे तो वहाँ के सब मतलब गरीब लोग जो है लाभान्वित ये होंगे, घर के पास हो जाएंगे और नज़दीक ये आने जाने की असुविधा है बंजार घाटी के अंदर, इसलिए अगर बंजार लग सकता तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सबका। जो ये हमारे बाजू दुकान का जो भी संस्था है इनका, इसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने लगाया नहीं सर, इसका जब प्रैक्टिकल होगा तब इसका पता लगना कि किस तरह जो है ये काम करेगा, कैसे हमें सहयोग देगा, जाने के बाद इसका पता लगेगा। आज हमारे ज़िला मंडी में हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हैं मंडी के और हमारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कुल्लू के, उन्होंने एक कैंप लगाया, बहुत ही एक स्पेशल कैंप। और ये फर्स्ट टाइम हमारे हिमाचल में ऐसा कैंप लगाया है जहाँ पर हम हमारे जो दिव्यांगजन भाई बंधु हैं उनको ऑन द स्पॉट हम जो उनकी लेग्स और उनका जो नीज जयपुर नी और जयपुर फुट बनाकर यहीं के यहीं पे उनको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने करी, और इसके थ्रू हम काफ़ी हमारे जो दिव्यांगजन हैं जो हमारे सोसाइटी में जिनके साथ किसी हादसे से या किसी तरह उनका कोई हाथ या पैर नहीं उनके साथ रहा और वो एम्प्यूट हो गया, तो वो एक कोशिश है उनको उस सोसाइटी में जो उनकी ये जो ये प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें और उनको इस सोसाइटी का वापस एक हिस्सा बना सकें, और जो रोज़मर्रा के काम जो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और वो उस प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब उनको हम सपोर्ट देंगे, उनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यही एक पहल है, और ये कैंप हमारा अभी 5 दिन और हमारा रहेगा 4 दिन। तो बस कोशिश इतनी सी है कि जो हमारे दिव्यांगजन हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, उनको हम सपोर्ट दे सके अपना जितना हम हमारे बस में हो, और उनको वापस हम अपनी सोसाइटी का एक हिस्सा बना सके। और मैं एक बार फिर हमारी जो हमारे वेलफेयर ऑफिसर हैं और हमारी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ, और जो हमारी जयपुर फुट की टीम है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे इन दिव्यांगजन लोगों की सहायता के लिए, उनको एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मेरी बहुत ही उनके साथ शुभकामनाएं कि वो ऐसा ही काम आगे भी करते रहें। धन्यवाद। हमारा ये कैंप है, कैंप के जो एक्सपेंसेस ऊपर आए हैं वो हमारे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से आए हैं, बाकी जो ये जयपुर फुट वाली जो टीम है वो अपना काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य वो लोग कर रहे हैं। और मैं कोशिश मतलब हम हमेशा उनको यही शुभकामनाएं भी देंगे और हमेशा सपोर्ट उनसे यही मांगेंगे कि आगे भी वो हमें इसी तरह अपना सहयोग देते रहें ताकि जो हमारे हिमाचल के जो दिव्यांगजन हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। धन्यवाद। हमारा जिला प्रशासन का पूरा सहयोग, मतलब हम जो हमारा ज़िला प्रशासन है वो अपनी तरफ से हम इस नई और एक बहुत ही यूनिक पहल है तो हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टीम के रहने के लिए, खाने पीने के लिए और उनके बोर्डिंग लॉजिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम सपोर्ट कर सकें हम उसमें करेंगे और अपना बेस्ट करेंगे ताकि जो ये बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है, उसमें इनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।